हेलो गाइस एंड वेलकम टू द सीएमबी सर्टिफाइड माइंड ब्लोवर्स। जब भी कोई शेयर मार्केट में नया होता है तब उनका सबसे पहला क्वेश्चन एक ही होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आइडियल अमाउंट कितनी होनी चाहिए और उन्हें इंडिया में स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करने के लिए मिनिमम कितने पैसे लगेंगे। बेसिकली वह शेयर मार्केट में बिजनेस या तो फिर इन्वेस्टमेंट तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें यह पता नहीं होता है कि कैसे करें और कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है और वो है बैंक अकाउंट, ताकि आप अपनी प्रॉफिट अमाउंट को बाहर निकाल सके। पहले एक वीडियो में हमने बात की थी कि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप उसका क्या करेंगे, सेविंग या इन्वेस्टमेंट। तो उस वीडियो में हमने सेविंग्स के बारे में बात कर ली थी और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन तो दे दी थी, लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ी सी और डिटेल में इन्फॉर्मेशन देंगे कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए और दूसरे कोई और भी पॉइंट्स जो एक बिगिनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट कि मिनिमम अमाउंट कितनी होनी चाहिए। तो इंडिया में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है। आप सिर्फ 10 रुपए से भी कम पैसों में एक स्टॉक को परचेस कर सकते हो, यानी कि मान लीजिए 5 रुपए, 6 रुपए या तो फिर 2 या 3 रुपए भी, लेकिन यह उस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा स्टॉक इंपॉर्टेंट या तो फिर इंटरेस्टिंग लगता है। इंडिया शेयर मार्केट में BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या तो फिर NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, इसमें 10 रुपए से भी कम रुपए वाले शेयर्स है और इसी वजह से आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कोई भी हजारों या तो फिर लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। जिस अमाउंट से आप स्टॉक को परचेस कर सकते हो वो एक ट्रेडिंग शुरू करने के लिए इनफ है और इसी वजह से इंडिया में ट्रेडिंग बिजनेस शुरू करने के लिए कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है। वैसे ही कुछ ऐसी पॉपुलर कंपनीज है जिनके शेयर 100 रुपए से भी कम है, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो एक रिफाइनरीज है और उसकी पर शेयर प्राइस है 98.2 रुपीज। फिर पंजाब नेशनल बैंक जो एक पब्लिक बैंक है जिसकी पर शेयर प्राइस है 38.3 रुपीज। बैंक ऑफ बड़ौदा जो एक पब्लिक बैंक है और उसके शेयर की प्राइस है 74.95 रुपीज। फिर यस बैंक लिमिटेड, यह एक प्राइवेट बैंक है और जिसके शेयर्स की प्राइस है सिर्फ 15.1 रुपीज। IDFC फर्स्ट बैंक जो एक प्राइवेट बैंक है और उसके शेयर्स की प्राइस है 60.95 रुपीज। अडानी पावर्स जो एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड जनरेशन है और जिसके शेयर्स की प्राइस है 87.15 रुपीज। फिर है UCO बैंक जो एक पब्लिक बैंक है और अभी तक के सबसे कम प्राइस है इसके, जो है 13.67 रुपीज। फिर है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो पब्लिक बैंक है जिसकी प्राइस है 17.95 रुपीज, यानी कि 18 रुपए। और भी ऐसी कई कंपनीज है जिनके शेयर 100 रुपए से भी कम है। और फिर इसके बाद ये कि अगर इसमें कोई भी मिनिमम अमाउंट नहीं है तो मुझे स्टॉक ट्रेडिंग शुरू करने के लिए कितने अमाउंट लगेगी। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो और या तो फिर सिर्फ आप स्टॉक मार्केट की सिर्फ नॉलेज ले रहे हो तो स्टार्टिंग हमेशा थोड़े सी करनी चाहिए, जैसे 500 रुपए या तो फिर 2000 से। और हाँ, दूसरी चीज ये कि अगर आपको कोई स्टॉक या तो फिर शेयर पसंद आ जाए यानी कि इंटरेस्टेड लगे तो उस शेयर या तो फिर स्टॉक के बारे में स्टडी जरूर से कर ले कि क्या यह शेयर हमें भविष्य में अच्छा रिटर्न देगा। अगर हाँ तो ही इसमें इन्वेस्टमेंट करें। हमारे पहले इन्वेस्टमेंट से हम काफी सारी चीजें नहीं सीखते हैं। और हाँ, एक चीज जरूर से याद रखिए कि इसमें आपको हमेशा जीत नहीं मिलने वाली है और उसी चीज की वजह से आप सीखोगे कि आपको कहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना था और कहां पे आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना था। और हाँ, इन सभी चीजों से पहले एक चीज जो है बेसिक चार्जेस एंड वन टाइम पेमेंट्स, यानी कि जब आप शेयर्स में बिजनेस या तो फिर इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसके लिए आपका एक डीमैट अकाउंट या तो फिर एक ट्रेडिंग अकाउंट जरूर से होना चाहिए। और यह दोनों अकाउंट्स के लिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस एंड एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस जिसे AMC कहते हैं और वह लागू होंगे और वह अकाउंट ओपनिंग करने के लिए 200 से 500 रुपए के चार्जेस लगेंगे और AMC लगभग 300 से 600 रुपए के अंदर हो जाएगा। और हाँ, यह आपके ब्रोकर पर बेस करता है कि वो आपके पास से कितना लेता है। और हाँ, अगर आप ऑनलाइन स्टॉक परचेस करते हो तो उस टाइम पे आपको एडिशनल चार्जेस देनी पड़ेगी जो स्टॉक बायर या तो फिर सेलर को पे करना होता है, जो जनरली ट्रांजैक्शन अमाउंट से 0.5% से भी कम होता है। ब्रोकरेज चार्जेस
ट्रांजेक्शन चार्जेस, जीएसटी एक्सेट्रा, यह सारी चीजें आपको एक स्टॉक परचेस करने पर ध्यान में रखनी होगी। बट ये सारी अमाउंट काफी छोटी होती है। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हाँ, अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर से दबा दीजिएगा ताकि हमारे आगे के वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।